महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आगरा शहर में कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ हो रहे यौन शोषण की रोकथाम करने हेतु प्रशिक्षण कार्यशाला के लिए महिला शांति सेना को सरकार द्वारा अधिकृत किया गया। इसके लिए संस्था को यूजर आईडी पासवर्ड भी जारी कर दिया गया। इसी संदर्भ में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन मरीन बस्ती में स्थित विद्यालय में किया गया, जिसमें उपस्थित सभी महिलाएं कार्यरत हैं। कोई जूता फैक्ट्री में कार्य करता है तो कोई गुटखा फैक्ट्री में, कोई घरों में सफाई काम करता है, किसी न किसी जगह काम करता है। संस्था अध्यक्ष वत्सला प्रभाकर ने बताया कि मंत्रालय द्वारा संस्था का चयन होने पर संस्था की जिम्मेदारी और बढ़ गई। महिलाओं को यौन शोषण के बारे में जागरूक किया जाएगा, क्योंकि यौन शोषण होने पर महिला शर्म के कारण कुछ भी नहीं बोल पाती। आपका नाम? मेरा नाम कैप्टन शीला भैल, महिला शांति सेना महासचिव। मैडम, आज क्या प्रोग्राम क्या रखा हुआ है आपने? आज हमने ये महिला शांति सेना द्वारा ये जागरूकता का कैंप लगाया है, और इसके अंदर हमने ये बताना है कि हमें सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा, जो एक महिला अक्सर घबराती है कि मेरे साथ घटना घटित हो गई, उसके बावजूद भी वो डर के घर वाले उसे दबा देते हैं और घर में बैठ जाते हैं कि नहीं कुछ नहीं करोगे, इज्जत का सवाल है, उसके लिए हमें सरकार द्वारा सी बॉक्स मिला है। उस सी बॉक्स के द्वारा माध्यम से वो जो भी उसकी कंप्लेन है वो गोपनीय, उनका नाम गोपनीय रखा जाता है, और उसके बाद उन लोगों की जो भी प्रॉब्लम होती है उसको हम सीधे उस सी बॉक्स द्वारा भारत सरकार को सूचित करते हैं और वहाँ से उसकी समस्या का समाधान कराते हैं, और वो बात उनकी जब समाधान हो जाता है उसके बाद उन महिलाओं को इकट्ठा होकर उनसे समझा के, उनको पूछ के उनको ये बताते हैं कि आपकी जो समस्या थी, आपके आस पड़ोस में किस तरह कोई भी समस्या होती है उसको हम समाधान करेंगे, और आप हमारे को सूचित करें, आप इधर उधर ना भटकें, आप घबराएं ना। महिलाओं के साथ महिला शांति सेना कंधे से कंधा मिला के कार्य करती है। इस तरह की बात होती है तो कुछ कानून होता है जो आप लोग डर जाते हो, वो डरना नहीं है आप लोगों को, आपको सिर्फ दिमाग दिया है ना उससे काम लेना है आपको। इसके लिए जैसे 498 कौन सा एक्ट है ये 498 मालूम है? नहीं, दहेज एक्ट मालूम है? ये बड़ी जल्दी मालूम है। मैं वही पूछ रही हूँ, दहेज का एक्ट कौन सा है? 498 ए बी नहीं कर देना, 13 भी होता है जेंट्स के लिए, और आपको तलाक लेना है उसके लिए अलग धाराएं होती हैं। जब आप थाने पे पहुंचती हैं तो कहती हैं सर वो मेरा पति मुझे बहुत दुखी कर रहा है, शराब पीता है, ये करता है, वो बताया भी आपने कह दिया। वत्सला प्रभाकर। मैडम जी, आज का जो प्रोग्राम है उसके बारे में कुछ बताएं। आज का जो ये कार्यक्रम रखा है, महिला शांति सेना को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिल्ली की तरफ से अपनी हमारी संस्था को उन्होंने एम्पैनल किया है कि जो भी कार्य क्षेत्र में यौन शोषण होता है महिलाओं के साथ, तो उसके ऊपर कार्यशाला करने के लिए, उसी का आज का ये कार्यक्रम था। ये वो महिलाएं थी जो कोई गुटखा फैक्ट्री में काम करती है, घरों में काम करती है, डॉक्टरों की क्लिनिक पे काम करती हैं, या और भी कोई काम ऐसा करती हैं जहाँ पुरुष के साथ उन्हें काम करना होता है, और जैसा कि विदित है कि महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं लेकिन वो डर की वजह से बोल नहीं पाती हैं, उसी के लिए आज एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है कि यौन शोषण क्या होता है और क्या इससे बचाव होने चाहिए, और यदि आपके साथ कोई ऐसा करता है तो कौन सी ऐसी धाराएं हैं जिसमें आप उनके खिलाफ अपना केस दर्ज कर सकते हैं। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा यूट्यूब चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।